आज मैं आपको ब्रिटानिया केक बनाना सिखा रही हूँ, खास करके मैं टीनएजर्स को। और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बढ़िया और बहुत जल्दी बनने वाला। सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ, मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है और उसमें मैंने नमक डाल दिया है। अब मैं इसको प्री करने के लिए रख दूंगी, जब तक मैं इसको बनाऊंगी। आप इसमें अगर नमक नहीं डालना चाहें तो आपकी इच्छा है, केक में कोई नुकसान नहीं आएगा। मैंने इस तरह का कंटेनर लिया है, उसमें अंदर से पहले घी से ग्रेस करा, फिर मैंने इसको मैदा लगाकर इस तरह ग्रेस कर दिया पूरे चारों तरफ से। इससे हमारा केक इसमें चिपकेगा नहीं। और अगर आप ऐसा नहीं करें तो बटर पेपर भी लगा सकती हैं। अब मैंने लिया है 1 कप मैदा, 1 कप शक्कर, शक्कर आप कम ज़्यादा ले सकती हैं। ये मैंने वनीला एसेंस लिया है, ये मैंने हल्दी डाली है लूँगी। इसमें मैं कलर नहीं डालूँगी क्योंकि इसमें कलर बहुत ज़रूरी होता है, पर मैं इसमें कलर नहीं डालूँगी, तो मैं इसलिए इसमें हल्दी डालूँगी। मुझे दिखाना है इसका कलर, तो मुझे हल्दी डालना पड़ेगा। ये मैंने चेरी ली है और ये मैंने दही ली है। ये मैंने आधा शुद्ध घी लिया है, आधा मैंने खाने वाला घी लिया है, यानी कि मैंने 2-2 चम्मच घी लिया है। अब मैं चेरी पे भी थोड़ा सा मैदा छिड़कूंगी। और अब मैं पहले इसमें कर्ड डालूंगी। दही में इस बात का ख्याल रखना है आपको कि वो घर का हो और ज़्यादा खट्टा भी नहीं हो और 2-3 दिन वाला हो। 2-3 दिन वाला नहीं हो और खट्टा भी नहीं हो, जितना हो सके ताज़ा दही हो। इसको हम इस तरह मैश करेंगे पूरा, इसमें एक भी वो नहीं रहे, अच्छे से मिल जाए जैसे ये। अब हमारा ये दही बिल्कुल अच्छे से फिट गया। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे पिसी हुई। शक्कर मैं इसलिए छानूंगी ताकि इसमें अगर एक का भी दाना नहीं रहे, वो फिर पानी छोड़ता है। मैं ये इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि इसको ये करना बहुत जरूरी है। इसमें सोडा भी जाएगा और बेकिंग पाउडर भी जाएगा, वो भी मैं अभी दिखाऊंगी। इसमें हमारा ये दाना बच गया है शक्कर का, तो ये अगर हम डाल देंगे तो ये पानी पानी हो जाएगा, इसलिए हमको उसको निकालना पड़ेगा। दोनों को मिलाना है बहुत देर, जब तक ये शक्कर इसमें पानी न छोड़े। अब ये मेरा इस तरह से हो गया, इसमें अब बबल सारे। अब मैं इसमें ये मैदा डालूंगी, ये मैंने चेरी पे आधा चम्मच मैदा डाल के इस तरह कर दिया। अब ये मेरा कलर जाएगा इसके। मैंने इस नाप पे ये चम्मच, 1 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और आधा चम्मच मैंने बेकिंग सोडा लिया है। इस तरह सोडा मैंने जरा सा ही है और ये बेकिंग। अब हम इसको वनीला एसेंस डालेंगे। अब हम इसको छान के इस तरह इसको इस तरह मिलाते रहेंगे। अब हम इसको इस तरह घुमाते रहेंगे, एक ही डायरेक्शन में करना है, हमें बार बार 2 डायरेक्शन नहीं डालना। अब हम इसमें डालेंगे घी, घी हम देखेंगे किस तरह करना है। घी पूरा हमारा इसमें एडजस्ट हो जाए, तब तक हम इसको घुमाते रहेंगे, इसको डालेंगे। ये हम इसलिए डालेंगे, ये
ऊपर हो जाएगा, नीचे नहीं बैठेगा और जलेगा भी। तब हमारा ये घी साइड से पूरा होने लगा, बढ़िया से मेल्ट हो रहा। डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, डायरेक्शन अलग नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी चम्मच हो, ये जरूर नहीं है कि हमें ये बर्तन नहीं है या वो नहीं है, कोई भी चीज हो बस एक ही डायरेक्शन में करना चाहिए। ये घी मैंने, मेरा इसमें 2 चम्मच घी लगा। हमें ज्यादा ऊपर नहीं डालना है क्योंकि केक फूल जाता है। अब हम ऊपर से थोड़ी सी चेरी डाल देंगे। अब हम इसको इस तरह रख देंगे, धीमी आंच पे रखना है और हम इसका ढक्कन लगा देंगे। अब हम इसको कम से कम 30 मिनट रख देंगे। अब हम इसको चेक करके देखेंगे, हमें 30 मिनट हो गए, ये लग रहा है परफेक्ट। अब हम इसको एक बार चाकू से, कुछ नहीं आया, पक गया है, पक गया है। अगर ये पकता नहीं ना तो चाकू गीला होता, यानी कि हमारा सही पका है। अब हम गैस बंद करके इसको 15 मिनट छोड़ देंगे, ठंडा हो जाए। अब मेरा केक इस तरह से तैयार है। ये केक मैंने ब्राउन कलर का पीछे का साइड है और मुझे इतना ही डार्क चाहिए था। अब हम इसको थाली में उल्टा करके और काटेंगे। वेरी टेस्टी केक बना है, एक बार जरूर बनाइएगा। मेरी वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखें। मेरी 118 वीडियो डली हुई है, आप उनमें से एक बार जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बनाने की कोशिश करूँगी और आप मुझे कमेंट्स में बताइए तो सही कैसी बनी वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।